ड्रग इंस्पेक्टर मनेंद्र राणा ने शुक्रवार को खानपुर क्षेत्र के लंडोरा क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल स्टोर पर कई तरह की खामियां पाई गई, जिसके बाद डीआई ने स्टोर को सील कर दवाइयों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। कार्रवाई के दौरान रुड़की लक्सर मार्ग पर बाजार वाली पुलिया के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर भी कई तरह की खामियां पाई गई। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाई पाए जाने के साथ सरकारी अस्पताल में सप्लाई की जाने वाली दवाई मिली है। चेकिंग के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक कई दवाइयों के बिल भी नहीं दिखा सका है। काफी मात्रा में एक्सपायरी इंजेक्शन और दवाई भी बरामद हुई है। वहीं डीआई मनेंद्र राणा ने कहा कि फिलहाल क्रय विक्रय पर रोक लगाने के साथ ही मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। उक्त मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किए जाने की संतुति की जाएगी। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर मनेंद्र राणा ने कहा कि औचक निरीक्षण का कार्य लगातार जारी रहेगा। खानपुर से संवाददाता सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। मेडिकल स्टोर का जो है कुछ शिकायतें भी लोगों से प्राप्त हुई थी और तो हम औचक निरीक्षण पे आए हैं। तो अभी हम एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे प्रवेश मेडिकल स्टोर, इसमें निरीक्षण कर रहे थे तो इसमें काफ़ी खामियां पाई गई हैं। इस पर भी कार्यवाही चालू है, इसके बाद इसका लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की जाएगी। सरकारी दवाई एक बॉक्स सरकारी दवाई का भी यहाँ पे बिक्री करते हुए पाया गया है, जो रैक्स में स्टोर भंडारित था, और कुछ फिजिशियन सैंपल भी बेच रहे हैं ये लोग। तो अभी हम इनके लाइसेंस को निरस्त करेंगे।